ठीक है भाई, हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो बात करेंगे ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो याद रखना, ब्लैक बॉडी का मतलब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नॉट नेसेसरली इन ब्लैक कलर। जरूरी नहीं है कि ऐसी कोई बॉडी जो ब्लैक कलर की उसको ब्लैक बॉडी नहीं बोलेंगे। ब्लैक बॉडी से मुराद क्या है, देखो, अ बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अगर सूरज से पड़ने वाली रोशनी या एनर्जी उसके ऊपर पड़ती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो हर वो ऑब्जेक्ट जो सूरज से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की रोशनियाँ होती हैं, एनर्जीज होती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर ले अगर, तो वही कहलाता है क्या, ब्लैक बॉडी। देखो, आप अक्सर ये चीज़ें, हमने भी एक ही कॉन्सेप्ट बनाया है कि हम लोग ये सुरमा क्यों लगाते हैं, का सुरमा नहीं कहते शायद, काजल या सुरमा, ये ब्लैक ब्लैक ही है ना, सुरमा क्यों लगाते हैं, कहते हैं बुरी नज़र से बचने के लिए। ऐसे ही होता है ना, ब्लैक लगाते हैं एविल आइज से बचने के लिए। हम ये कहते हैं कि काला रंग क्या करेगा, सारी बुराइयों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और अमूमन होता भी ये कि काला रंग ऐसा होता है जो सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। देखो, हमारी नज़र फौरन ब्लैक पे पड़ती है, ब्लैक कलर पे। ब्लैक कलर क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है चीज़ों को और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लिहाजा ब्लैक से वर्ड यहाँ पे ये आ रहा है। और एक चीज़ और, ब्लैक साइंस के नज़दीक कोई कलर नहीं है। ब्लैक इज़ नॉट अ कलर, ब्लैक इज़ वॉट, कि जिसमें सारे कलर एब्जॉर्ब हो चुके हों, मतलब जिससे कोई कलर रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रहा हो। मतलब अगर हमें कोई कलर दिख रहा है, इट मीन्स वो कलर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिख रहा, टोटल डार्क है, तो इट मीन्स सारे कलर, सारे रंग, सारी रोशनियाँ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई हैं। ठीक है, इस तरह एक वर्ड आता है, हम स्पेस में बात करते हैं ब्लैक होल्स की। वो ब्लैक होल्स क्या होते हैं, बिल्कुल टोटली ब्लैक होते हैं, यानी कि वो अपने अंदर से हर चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कोई चीज़ उनसे बच कर या उनसे दूर भाग नहीं सकती, ना कि रोशनी भी उनसे दूर नहीं भाग सकती। तो यहाँ वर्ड ब्लैक से जहन में रखेंगे कि ऐसी चीज़ जो अपने अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी किस्म की एनर्जी जो उस पर पड़ रही हैं, एनर्जी की बात करूँगा, वो उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, नाउ अब अगर ये एक ब्लैक बॉडी है तो इसके ऊपर पड़ने वाली रेडिएशंस जो सूरज से आ रही हैं, ये उन्हें कर लेगी एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब कर लेगी ना, तो एब्जॉर्ब करने के कुछ ही टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली उन्हीं रेडिएशंस को इमिट भी करेगी। देखो, एब्जॉर्ब जो करता है वो नेचुरली इमिट भी करता है। जैसे हमारी ज़मीन है, दिन भर सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करती है ना, रात में ये उसी एनर्जी को इमिट भी करती है। ज़मीन हमारी उसी एनर्जी को जिसने एब्जॉर्ब की होती है, उसी को क्या करती है, रात में इमिट भी करती है। दिन भर सूरज से रोशनी एब्जॉर्ब कर रही है और रात में वो हमारी रोशनी क्या होगी, इमिट हो। इमिट का मतलब उसमें से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो एक ब्लैक बॉडी क्या है, जो एक एब्जॉर्बर भी है और साथ साथ एमिटर भी है। अगर सारी एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी करता रहेगा, तो जाहिर है वो इतनी एनर्जी और टेम्परेचर की वजह से तो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो नेचुरली अगर कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो दूसरी साइड पे वो इमिट भी कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमिट करेगा, तो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा। जो वो इमिट कर रहा है वो कहीं से उसने हासिल करी है ना, कहाँ से हासिल करिए, सूरज से हासिल करिए। तो इमिटर वो जब भी बनेगा जब वो क्या होगा, एब्जॉर्बर होगा। तो एक वक्त में वो एब्जॉर्बर भी हो सकता है और इमिटर भी होता है। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि व्हाट आर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है, तो सिंपल सी बात यह है कि किसी भी बॉडी में से निकलने वाली रेडिएशंस वो क्या है, ब्लैक बॉडी। देखो, इंसानी जिस्म भी, हम भी ब्लैक बॉडी में ही आते हैं। क्यों, देखो हमारे जिस्म के अंदर से भी रेडिएशंस निकलती हैं, जो हमारी बॉडी हीट होती है, नॉर्मली हमारा एक टेम्परेचर होता है 98 डिग्री फॉरेनहाइट, जो हमारे अंदर एक हमें वार्म अप रखता है। तो हमारी बॉडी से भी रेडिएशंस निकलती हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो कौन सी होती है, वो होती है इंफ्रारेड होती हैं, जो बेसिकली हीट पैदा करती हैं। तो ये जो रेडिएशन हमारे जिस्म के अंदर से भी निकलती हैं, ये भी क्या हैं, ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं। ये रेडिएशंस कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि हमने ये एब्जॉर्ब की हुई हैं, हमारे जिस्म ने एब्जॉर्ब करी हुई है, तो ये क्या करता है, इनको एमिट भी करता है। अच्छा, तो देखो, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो ये वर्ड जितनी बार भी आएगा ना, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होती हैं जो हमें नेचुरली कहाँ से मिलती हैं, सूरज से मिलती हैं। ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, जो ब्लैक बॉडी से निकल रही होंगी, डिपेंडिंग ऑन इट्स टेम्परेचर। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब वो रेडिएशन नहीं है जो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये वो हैं जो ब्लैक बॉडी
इमिट कर रहा है, ब्लैक बॉडी में से निकलने वाली रेडिएशंस जो किस पर डिपेंड करेंगी, उसके टेम्परेचर पर। जो जितना ज़्यादा गर्म होगा उसमें से उतनी ज़्यादा रेडिएशंस बाहर निकलेंगी। जब आप तवा गर्म करते हैं, चूल्हा गर्म करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होते 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 वो लाल हो जाता है। वो ज़्यादा लाल हो गया, इट मीन्स उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया। अब वो लाल बेसिकली, वो लाल क्यों हो रहा है, बेसिकली वो रोशनी इमिट कर रहा है। वो जो रेड हमें दिख रहा है वो रेड क्या है, वो रेड लाइट है। वो रेड लाइट इमिट कर रहा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी या रेडिएशन को इमिट करेगा। कोयला जब जलता है लाल हो जाता है जलकर, जब जल रहा है, गर्म हो रहा है, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, वो जो लाल हो रहा है वो लाल क्या है, वो उसमें से निकलने वाली रेडिएशन है जो रेड कलर की है, वो विजिबल में आ गई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बहुत सारी रेंज है, उसमें एक विजिबल लाइट भी आती है। विजिबल लाइट वो है जो हमें दिख रही होती है। अब जलते हुए कोयले में से इंफ्रारेड भी निकल रही है जो कि हीट पैदा कर रही है, और विजिबल लाइट भी निकल रही है जो कि हमें दिखा रही है उसके कलर को, रेड कलर को। तो वो जो रोशनी भी हमें दिख रही है वो भी हमारी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। अब बात करते हैं कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है। What is a perfect black body? तो जब word perfect आता है physics में, या word ideal आता है, अगर कहीं word ideal आए या perfect आए, तो it means जो कि 100% work करे, 100%। तो perfect black body क्या होगी, या उसको अगर हम दूसरे word में ideal भी कह दें, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर सूरज से रेडिएशंस आ रही हैं तो वो 100% उन्हें एब्जॉर्ब कर ले। अगर वो 100% एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। तो अगर वो 100% एब्जॉर्ब करेगा तो वो 100% एमिट भी करेगा। लेकिन बाय नेचर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर ऑब्जेक्ट एक जैसा बिहेव नहीं करता। कोई सूरज से आने वाली सारी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है, कोई बहुत सारी अब्जॉर्ब कर लेता है, कोई बहुत कम अब्जॉर्ब करता है। डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर। ये भी याद रहेगा कि जो जितने ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा इमिट भी करेगा। तो हर कोई एक जैसी ब्लैक बॉडी नहीं होती। हाँ, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब ये हुआ कि सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, कुछ भी उसमें से ज़ाया नहीं करे। तो नेचुरली भी ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट नहीं होता, वो 100% एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ ना कुछ अमाउंट वो रिफ्लेक्ट भी कर देता है। देखो, जो चीज़ नॉर्मली होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उससे जो रेडिएशन है वो टकरा कर वापस आ रही है। ख़ासतौर से कौन सी रेडिएशन, विजिबल वाली। जब सूरज की रोशनी धूप किसी पर पड़ती है और वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, तो इट मीन्स क्या कि क्या सारी की सारी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहा है? नहीं, एब्जॉर्ब भी कर रहा है लेकिन रिफ्लेक्ट भी, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है इट मीन्स वो हमें दिखाई दे रही है। हाँ, ऐसा है। अब देखो, नॉर्मली ब्लैक से मुराद ये भी होता ना कि हमने बोला यार ब्लैक कलर क्या, डार्कनेस, हमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ, इट मीन्स उसने सारी एनर्जी को अपने अंदर, और वो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया। तो इट मीन्स मैं बोलूँगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। तो ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो 100% परफेक्ट हो, ठीक है। तो लिहाजा परफेक्ट ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या होगी? अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ वन विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस डेट फॉल ऑन इट। इट डजेंट एग्जिस्ट इन रियल, हकीकत में ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। चलो, यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी करती है, लेकिन किसी ना किसी हद तक वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। तो जो एब्जॉर्ब करती है वो इमिट भी करती है। तो यहाँ ब्लैक से मुराद है कलर इन ब्लैक नहीं, बट ब्लैक से मुराद क्या कि वो एब्जॉर्ब कर सकती है। अब यहाँ बात क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले कह रहे हैं, इफ डिफरेंट मटेरियल आर हीटेड टू सम यूनिफॉर्म टेम्परेचर देन दे इमिट रेडिएशंस। क्या मतलब, अगर आप मुख्तलिफ मटेरियल्स को एक जैसे टेम्परेचर पे हीट करो तो उन सब में से इमिट होंगी रेडिएशंस। और ये ज़रूरी नहीं है कि सब में से एक जैसी इमिट हो, ये डिपेंड करता है कि उस मटेरियल, वो जो मटेरियल है वो किस किस्म का स्ट्रक्चर रखता है। वो जो हीट, उसका जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है,
वो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही वो जो है वो उस एनर्जी को इमिट करेगा। तो लिहाजा देखो, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे अलग अलग मटेरियल मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस को इमिट करते हैं। सही है, पहला वाला पॉइंट क्या बोल गया कि डिफरेंट मटेरियल आर हीटेड टू सम यूनिफॉर्म टेम्परेचर देन दे इमिट रेडिएशंस। तो यकीनन किसी को हीट देंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऐसी सूरत में ही वो रेडिएशंस को इमिट भी करता है। ठीक है, जैसे मैंने मिसाल दी तवे की, चूल्हे की, जब हम उसको जलाते हैं बर्न करते हैं वो गर्म होता है, जब वो गर्म होता है तो ही वो रेडिएशंस को भी, लेकिन वो कहाँ से आ रही है इमिट होने वाली, वो हाथ के हाथ एब्जॉर्ब कर रहा है और उन्हीं को इमिट, भाई बर्नर से वो हीट ले रहा है और वो खुद गर्म हो रहा है, उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो अपने अंदर से जो उसके अंदर जमा हो रही होगी हीट एनर्जी उसको इमिट भी करता रहेगा, तो एब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या, द ग्राफ ऑफ सच रेडिएशंस गिव कर्व्स विथ नो रेगुलरिटी और सिमिलरिटी। देखो, जब डिफरेंट मटेरियल से निकलने वाली डिफरेंट रेडिएशंस का ग्राफ बनाएंगे, उनको ट्रेस करेंगे, तो उन सब में कोई रेगुलरिटी और सिमिलरिटी नहीं होगी, क्योंकि वो सारे मटेरियल डिफरेंट मटेरियल हैं। हाँ, अगर एक मटेरियल से ही रेडिएशंस निकल रही हो तो वो हो सकता है कि उसमें रेगुलरिटी और सिमिलरिटी हो, लेकिन यहाँ इससे मुराद ये है कि एक जगह मौजूद जितनी भी ब्लैक बॉडी होंगी वो सारी एक जैसी बिहेव नहीं करेंगी, किसी में इमिट ज़्यादा होगा, किसी में इमिट कम होगा, किसी में इमिट होने वाली रेडिएशन इंफ्रा हो सकती है, किसी में अल्ट्रा हो सकती है, किसी में से विजिबल लाइट बाहर आ सकती है। जैसे मैंने भी मिसाल दी, कोयला जलता है लाल हो जाता है, जल के लाल हो रहा है तो उसमें से कौन सी रेडिएशन बाहर आ रही है, विजिबल लाइट, कौन सी, हाँ, और अगर आपको तपिश महसूस हो रही है, हीट महसूस हो रही है, तो साथ साथ कौन सी बाहर आ रही है, इंफ्रा रेड भी बाहर आ, तो मुख्तलिफ मटेरियल में से मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस आती हैं, तो उससे हम जब ग्राफ बनाते हैं तो एक जैसा सिमिलर पैटर्न नहीं मिलता, उसमें वेरिएशंस होती हैं, सिमिलरिटी नहीं होती। ठीक है, तीसरी बात, ब्लैक बॉडी रेडिएशन लाए इन द रीजन ऑफ इंफ्रारेड एंड विजिबल। अच्छा, वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली कोई भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी मानी जा सकती है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जब ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे जहन में जो तस्वर आता है वो दो ही तरह का रेडिएशंस का आता है, कौन कौन सी, इंफ्रारेड और विजिबल। क्योंकि मैंने अभी एक और बात बोली थी कि हमारे जिस्म से निकलने वाली हीट जो है, जो हमारी बॉडी से जनरेट होती है, वो कौन सी हीट होती है, वो कौन सी रेडिएशन होती है, वो होती है इंफ्रा रेड होती है। और दूसरी बात कि जो रेडिएशन हमें दिख रही हो मतलब उसमें से कलर्स दिखाई दे रहे हो, तो जो कलर्स दिखाई दे रहे हो, एनर्जी दिख रही हो, तो वो कौन सी वाली है, फिर वो विजिबल है। तो मोस्टली जो ब्लैक बॉडी है वो दो रीजन्स में पाया जाता है, किस किस में, विजिबल में और दूसरा किस में, इंफ्रा रेड में पाया जाता है। ठीक है, चौथा, नीदर देयर इज अ सिंगल रेडिएशन नॉट देयर आर इनफाइनाइट रेडिएशन फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी। किसी एक ब्लैक बॉडी में से जब रेडिएशंस निकलती हैं तो कह रहे हैं ना तो उसमें से कोई एक रेडिएशन निकलती है ना इनफाइनाइट निकलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली कोई एक रेडिएशन निकलेगी, नहीं, मुख्तलिफ रेडिएशंस निकलती हैं, डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा उसमें से निकलने वाली रेडिएशन इंक्रीज भी करेंगी, ज़्यादा भी होंगी, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी में से एक ही रेडिएशन निकले या फिर एक बॉडी में से इनफाइनाइट रेडिएशन निकले, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, और दूसरा क्या कि एक रेडिएशन नहीं हो सकती, तो एक से ज़्यादा या मल्टीपल रेडिएशन उस ब्लैक बॉडी में से निकलेंगी। ठीक है, क्योंकि जब उसके टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मैटर का बना हुआ है, मैटर के अंदर होता है एटम, जब एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है ना, तो वो अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है,
उससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करता है। तो जब वो इमिट करेगा तो रोशनी उसमें से, एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में से बाहर आएगी, और जब एब्जॉर्ब कर रहा है इट मींस कि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, चलो यहां पे हमारे हुए चार कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगला आ रहा है कैविटी रेडिएटर। ये डेफिनेशन में आता है आपके पास कि आपसे पूछ ले कि डिफाइन द फॉलोइंग में कैविटी रेडिएटर। भाई रेडिएटर क्या होगा, रेडिएटर क्या होगा, हाँ बताओ रेडिएटर क्या होगा। बस रेडिएशन दे रहा है, उसमें से एनर्जी बाहर आ रही है। कैविटी क्या होती है, कैविटी किसे कहते हैं, दांत में सुराख को भी कैविटी है। दांत में सुराख हो जाता है, कीड़ा पड़ जाता है, दांत में कीड़ा या सुराख हो जाता है, काला काला दिख रहा होता है, उसको बोलते हैं कैविटी। क्या वर्ड आ रहे हैं, कैविटी रेडिएटर। ये कैविटी रेडिएटर क्या है, ये असल में अफगानी नान की भट्टी है। आपने देखा होगा जब अफगानी नान वाले की जो दुकान होती है जिसकी भट्टी वो ऐसे सीधी बनाता है, उसके अंदर रोटी वो ऐसे डालता है यूं करके और फिर यूं निकाल लेता है। एक तो तंदूर होता है, तंदूर भी वही चीज़ हो गई एक तरह से देखा जाए। अगर आप उसको ऊपर देखोगे तो बिल्कुल ब्लैक अंधेरा अंधेरा होगा ना उसके अंदर, है ना। और भट्टी भी क्या है, बाहर से देखो तो अंदर पूरा क्या है, अंधेरा। हाँ अंदर वो आग जलाएगा तो उसमें रोशनी होगी। तो बेसिकली ये कैविटी क्या है, कैविटी एक हमने जो है वो एक होल कर दिया और अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा खोखला है, अंदर से खाली है, और अंदर से झांक रहे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, खाली अंधेरा, खाली क्या दिखाई दे रहा है, अंधेरा। हाँ अब उसके अंदर एनर्जी जाएगी, रेडिएशन जाएंगी, जब रेडिएशन उसमें जाएगी तो वो रेडिएशन को क्या करेगा, क्या करेगा आप समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मान लो ये इस तरह से भट्टी, एक हमने एक ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है, बाद अवकात वो इस तरह से बना हुआ होता है सीमेंट वगैरह से, फिर यहाँ से उसमें से एक वो चिमनी निकल रही होती है, चिमनी कहते हैं उसको, जिसमें धुआं निकलता है ना। साथ में देखो ना, अंदर जब एग्जॉस्ट हो रहा है, हीट क्रिएट हो रही है, तो यहाँ से हीट का एग्जॉस्ट भी तो होता है, ऐसे हीट बाहर निकल रही होती है। यहाँ अंदर लकड़ियाँ रखी हुई हैं और उसमें आग जल रही है, ऐसा ही है ना, आग जल रही है। अब देखो इस पूरी भट्टी में यहाँ ये एक होल कर दिया, ये होल वही जिसमें तो वो रोटी अंदर उसमें भट्टी में डाल रहे हैं। तो यहाँ से ये जो हमने एक होल क्रिएट किया है ये बेसिकली क्या कहलाता है, कैविटी। क्योंकि बेसिकली कैविटी किसी होल को या सुराख को या दांत में लगने वाले कीड़े को ही बोलते हैं इस तरह से। अब क्या होता है देखो, अगर इसमें से रेडिएशन अंदर जाएगी तो ये उस रेडिएशन को ट्रैप कर लेगा, क्या कर लेगा। अब देखो रोशनी या रेडिएशन अंदर गई, सामने जो भी जगह मिलेगी उससे टकराएगी, वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो बच जाएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो हर रोशनी एब्जॉर्ब नहीं होती, 100% को एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ एब्जॉर्ब करता है बाकी को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखो कुछ एनर्जी या रेडिएशन सामने गई, काफी हद तक एब्जॉर्ब हो गई, जब एब्जॉर्ब होगी ना तो ये जो मटेरियल है ये हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब करी है क्या, एनर्जी। तो असल में भट्टी में वो जो आग जला रहे हैं वो आग से जो एनर्जी पैदा हो रही है वो पूरी दीवारों पे पड़ रही है, उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो रही है और कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा अब जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहाँ जाएगी, मानो यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट होके वो पड़ गई इधर ज़मीन पर पड़ गई, उसको ऊपर कहाँ जाएगी, बंद है ना,
अरे भट्टी ऐसे बंद हुई है ना पूरी, अब अंदर तो रोशनी गई, सामने टकराई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, टकरा कर यूं वापस आई, कोई इस दीवार से टकराई, कोई इस दीवार से टकराई, कोई ऊपर निकल गई, ये सारी आपस में घूम रही हैं, कहाँ, एक भट्टी के अंदर, और टकरा टकरा के ये हो गई मल्टीपल, ये इधर गई, फिर यहाँ से यहाँ टकराई, यहाँ से यहाँ टकराई। अब आप सोचो इनके वापस निकलने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। इत्तेफाक है, देखो जितनी रेडिएशन अंदर होगी ना उनमें से बहुत कम होगी जो यहाँ से बाहर आएगी, क्योंकि वो दीवारों से टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट होकर मल्टीपल होकर बहुत हीटअप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। तो यही तो वजह है कि भट्टी में जो हम वो होल बनाते हैं वो छोटा ही होता है दादा। अगर उसको इतना बड़ा सामने से ओपनिंग रख देंगे तो क्या वो इतना गर्म होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ से रेडिएशन का निकलने का रास्ता बहुत कम है। तो रेडिएशन अंदर ही अंदर क्या होती है, इस दीवार से टकराई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ जो रिफ्लेक्ट हो गए वो सामने से टकराएगी, कुछ वहाँ एब्जॉर्ब हो गई, बकिया रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरह ये टकरा कर एक दूसरे में मिक्स होती हैं, मल्टीपल हो जाती हैं और अंदर के माहौल को बहुत ज़्यादा कैसे कर देती हैं, हीटअप कर देती हैं। तो उसके अंदर आ गई बहुत सारी एनर्जी, तो इसने एनर्जी क्या करी, एब्जॉर्ब करी है ना। अब इसी तरह से वो वक्त के साथ साथ एनर्जी को इमिट भी करेगा। हाँ, अब जितनी एब्जॉर्ब कर ली है सारी एक साथ इमिट नहीं करेगा, वक्त फवक्तन फवक्तन कहाँ से इमिट होगी, ये वाला जो हमारा होल है, तो इसमें से जैसे जैसे एनर्जी को रास्ता मिलेगा इमिट होने का, वो यहाँ से इमिट भी होगी, आइए ना। तो नॉर्मली कैविटी रेडिएटर क्या है, जो एनर्जी को वहाँ से एब्जॉर्ब भी कर रहा है और वहाँ से इमिट भी कर रहा है, ठीक है। एक होलो, एक हमने ये समझ लो एक होल क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर रोशनी एंटर कर रही है और अंदर जाके रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन सब करवा रही है और मल्टीपल होकर बहुत इंटेंस हो रही है और उससे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फिर अपने टेम्परेचर को गिराने के लिए आहिस्ता आहिस्ता वो रेडिएशन को दोबारा इमिट भी करती है ना। तो देखो ज़रा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन अ होलो स्फेयर ऑफ मेटल। हमने क्या करा, एक स्फेयर लिया यानी एक बहुत बड़ी बॉल ली, किस चीज़ की, मेटल की, और उसके अंदर है क्या, एक उसके अंदर एक सुराख है, एक होल है, इन इट इज कॉल्ड कैविटी रेडिएटर। वो होल क्या करेगा, उसमें अंदर जाने वाली एनर्जी को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। उस होल में से एनर्जी अंदर जाएगी और सारी की सारी टकरा कर वापस नहीं आएगी, कुछ एब्जॉर्ब कुछ रिफ्लेक्ट, बहुत कम अमाउंट में उसमें से वापस आएगी। तो जो वापस आएगी निकलेगी वो क्या होगी, वो इमिट हो रही है, वो इमिट हो रही है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली अ परफेक्ट, हाँ ये एक काफ़ी अच्छी हद तक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जाने वाली रेडिएशन ज़्यादातर अंदर ही ट्रैप हो रही है, बाहर बहुत कम आ रही है। तो ज़्यादातर को ये क्या कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता इमिट करेगा। तो इसीलिए ये एक अच्छी ब्लैक बॉडी मानी जा सकती है जिसके अंदर एनर्जी को क्या कर दिया जाए, ट्रैप कर दिया जाए। तो ये तंदूर बनाया मैंने इसलिए बोला, इसलिए इसको इस तरह बनाया जाता है कि ज़्यादातर एनर्जी इसके अंदर कैसी रहे, ट्रैप रहे, और वो अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो वार्म अप रहे, हीट अप रहे, ताकि हमारी जो रोटी है वो उसके अंदर अच्छी सी पक जाए, है ना। अच्छा भाई, 10, 11, 12, 13, 14 में सवाल हो गए, 15 आज और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। अगला सवाल आ रहा है, व्हाई आर रेडिएशंस फ्रॉम परफेक्ट। सबसे पहला लॉ हमारे पास आएगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स तो नाम है बंदे का, ठीक है, और ये लॉ का नाम है डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात यहाँ करेंगे, इसमें क्या बात है, देखो जब हम किसी लोहे को या आयरन को गर्म करते हैं
ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो लोहा जो है जब वो काफ़ी हद तक बड़े टेम्परेचर पे पहुंचने लगता है तो वो जल के लाल होने लगता है, लोहा तपने लगता है, तो उसमें से रेडिएशंस निकल रही होती हैं। अगर वो हमें लाल दिखाई दे रहा है इट मीन्स वो बर्निंग हॉट है, गर्म है उसमें से। अच्छा, जब तक उसमें से कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा हमें पता है वो गर्म है, जब तक वो लाल नहीं हुआ, लाल तक नहीं पहुंचा, जब तक उस जब भी उसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं वो वाली रेडिएशंस होती है इन्फ्रारेड। इन्फ्रारेड विजिबल में नहीं होती, वो हमें दिखाई नहीं दे रही होती, उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, ज़्यादा होती थोड़ी। टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के और बढ़ने से क्या होता है कि उसके अंदर और एनर्जी जो है वो आ जाती है, यूँ समझ लो। मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर पे आ, जितने ज़्यादा टेम्परेचर पे आता है वो उतनी ज़्यादा या मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस को इमिट करता है। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो अब इन्फ्रारेड से शिफ्ट हो जाता है किस पे, रेड कलर के ऊपर। अच्छा, रेड कलर शुरुआत है विजिबल की, जो कलर हमें दिखाई देने लगते हैं उनमें शुरुआत सबसे पहले किसकी होती है, रेड। देखो जब भी रेनबो बनता है रेनबो में भी सबसे ऊपर पहला कलर रेड आता है, फिर रेड के बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, फिर वायलेट, फिर इंडिगो, सबसे लास्ट में वो इंडिगो और वायलेट की तरफ जाता है। सबसे पहला कलर ही कौन सा आता है, रेड। तो विजिबल रेंज में सबसे पहले कौन सा आता है, रेड। अब रेड के बाद टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे ना अगर, तो टेम्परेचर और बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने से निकलने वाली रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, किसके बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से। तो कलर आहिस्ता आहिस्ता वो रेड से शिफ्ट हो जाएगा येलो की तरफ, बहुत देर तक तो वो रेड रहेगा, बहुत जलेगा, सुनो सुनो, बहुत देर तक तो वो रेड रहेगा। रेड के बाद वो रेड के नीचे वाले कलर्स पर जाएगा, जैसे रेड के बाद ऑरेंज आता है, ऑरेंज के बाद येलो आता है, वो अपने कलर्स को शिफ्ट करेगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो मैंने आपको स्पेक्ट्रम की रेंज बताई, रेड, ऑरेंज और येलो, ठीक है, यहाँ लिख लो VIBGOUR कितने बन रहे हैं, ग्रीन के बाद, हाँ मैंने शायद VIBGYOUR, ठीक है। ये पैटर्न होता है, देखो इसमें क्या होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट जो है ना वो पर्पल की शेड होते हैं, पर्पल जैसे शेड होते हैं, ब्लू के बाद कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर, नीचे आते 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 ये पहुँच जाती है 400 नैनोमीटर। ये एक रेंज है, कहाँ से कहाँ तक, 700 नैनोमीटर से 400, ये रेंज याद रखना, ये होती है विजिबल लाइट। कौन सी लाइट की, जो हमें दिख रही हो, जिस जब हमें कलर दिखाई देने लग जाए, है ना, तो ये कहलाती है क्या, विजिबल लाइट। अब 700 से ऊपर वाली जो वेव्स है ना, जो 700 से बड़ी हैं, वो किस में जाएंगी, इंफ्रारेड में। अब 700 पे पहुंचेंगी कहाँ जाएगा, रेड। टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ यहाँ और कम होगी, याद रखना जितनी छोटी वेवलेंथ होती है उतनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है। ये शायद मैं काफ़ी बार डिस्कस भी किया है कि जो छोटे साइज़ की वेव होती है वो ज़्यादा एनर्जी रखती है, बड़े साइज़ की वेव कम एनर्जी रखती है। वेव टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेव का साइज़ छोटा था जाएगा और उसके अंदर मौजूद एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। तो रेड के बाद वो ऑरेंज, येलो, जब कहीं वो टेम्परेचर के बढ़ने से ग्रीन या ब्लू की तरफ पहुंचेगा तो जब तक क्या हो जाएगा, ये मुख्तलिफ कलर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मिक्स होने लगेंगे, और जब ये सारे रंग आपस में मिक्स होते तो एक रंग बनता है, और वो बनता है, सोचो ये सात रंग एक रंग में, ये सात रंग एक रंग से टूटते हैं वाइट लाइट से। ये जो सात रंग आपको बताएं ये कहाँ से टूटते हैं, सूरज की जो रोशनी है ना जिसको हम धूप कहते हैं वो असल में वाइट लाइट है। जब वो प्रिज्म में से गुजरती है तो सात रंगों में टूट जाती है। बारिश के दिनों में आसमान में जो पानी के पार्टिकल होते हैं उनमें से सूरज की धूप जब घुसती है दूसरी साइड से निकलती है तो वो जो कतरे होते हैं पानी के बाद प्रिज्म बिहेव करते हैं और वो जब रोशनी टूटती है सात रंगों में तो आसमान पे हमें रेनबो दिखाई देता है। तो वो सात रंग दोबारा जब मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे, वाइट। तो याद रखना वाइट क्या है, फिजिक्स या साइंस की लैंग्वेज में वाइट कलर कोई कलर नहीं इंडिविजुअल, वो सात रंगों का
कॉम्बिनेशन है। और ब्लैक क्या है? ब्लैक ये है कि वो अपने अंदर सारे रंगों को, एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, जिसमें सब समा जाए, ख़त्म हो जाए, जाके वापस ही नहीं आए, वो क्या है? ब्लैक। और जब सारे रंग एक हो जाए, मिक्स हो जाए, तो वो रंग कौन सा है? वाइट। तो जब टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाते हैं, वो रेड येलो, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू की तरफ पहुँचता है, तो फिर वो लोहा हमें, अब लोहा हमें ग्रीन या ब्लू दिखाई नहीं देता, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो सारे रंगों की वेवलेंथ आपस में मिक्स होती हैं, और उस वक्त फिर वो जो लोहा है वो किस कलर में दिखाई देने लगता है? वाइट होने लगता है। यानी रेड ऑरेंज येलो, फिर उसका कलर किस तरह का हो जाएगा? वाइट। यानी अगर वाइट की तरफ पहुँच गया लोहा जलते जलते, तो वो बहुत ज़्यादा इनफ टेम्परेचर पर, लेकिन उस हद तक पहुँचने में वो लोहा पिघल चुका होता है, वो लोहा पिघल, वो अपनी उस हालत में नहीं रहता, वो मोल्टेन स्टेट में आ जाता है, पिघलने की तरफ चला जाता है, लेकिन उसका रंग वाइट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर सारी रेडिएशंस वेवलेंथ कैसी हो जाती हैं? मिक्स होने लगती हैं। तो यहाँ टेम्परेचर के बढ़ने से वेवलेंथ में जो चेंज आ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, उसको स्टडी कर रहा है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है द वेवलेंथ corresponding to the maximum energy, maximum energy का symbol लिया गया है lambda m, is inversely proportional to the absolute temperature, ठीक है भाई, टी, और ऑफ द ब्लैक बॉडी, ऑफ द ब्लैक बॉडी। देखो, अब यहाँ इसको समझने के लिए हम बनाएंगे ज़रा ग्राफ, फिगर, और उस फिगर को तो बाकी लॉस के ऊपर भी लगाया जाएगा, समझा जाएगा। मैं यहाँ बना लेता हूँ। यह आपके पास एक फिगर है, इसमें दो एक्सेस हैं, जो एक्स एक्सिस है वहां बात कर रहे हैं वेवलेंथ की, जिसको लैम्डा में और मीटर में नोट करेंगे, और जो आपके पास वाई वाला एक्सिस है वहां बात कर रहे हैं एनर्जी, या फिर इंटेंसिटी भी कह सकते हैं उसको। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं किसकी? वेवलेंथ की। और वाई एक्सिस से बात किसकी कर रहे हैं? एनर्जी या इंटेंसिटी की। किसके बारे में बात हो रही है? जब एक ब्लैक बॉडी को, जब एक बॉडी को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं उसको, ठीक है, हीट अप होती है, तो वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देती है। वो जो रेडिएशन एमिट कर रही है, टेम्परेचर के चेंज होने से रेडिएशन भी चेंज हो रही हैं, तो उसके बिहेवियर को स्टडी करा, उसमें से निकलने वाली वेवलेंथ को स्टडी करा, कौन सी वेवलेंथ आ रही है, उन सब पे ग्राफ बनाया। ठीक है, अच्छा, ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा कि जब आप नीचे वाला पहला कर्व बनाओगे,
नीचे वाला पहला कर्व बनाओगे, देखो यहाँ से समझेंगे, मान लो ये कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ऐसे ऊपर जाएगा, स्टीप करेगा, ऐसे मैक्सिमम पे जाएगा जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो बिल्कुल मैक्सिमम मिलेगा हमें, मतलब पीक, उस पीक के बाद दोबारा नीचे गिरेगा। यानी ये कर्व है, ये ऐसे पहले ऊपर आएगा, एक पीक पॉइंट पर आएगा, वहाँ से दोबारा नीचे गिरेगा, ठीक। उस पीक, उस कर्व का टेम्परेचर लिखा हुआ है 3000 केल्विन, ठीक। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, कितना कर दिया, 4000 केल्विन। तो कर्व में कुछ तब्दीली आएगी, वो क्या होगी, कि कर्व वैसे बनेगा बनेगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन उसका जो मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा, दूसरे वाले कर्व का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, वो पहले वाले कर्व से पीछे होगा। दूसरे वाले कर्व का मैक्सिमम पॉइंट पहले वाले कर्व के मैक्सिमम पॉइंट से क्या होगा, पीछे की तरफ होगा, सही। अभी अच्छा, अब अगले को देखो, 5000 वाले पे जाते हैं, 5000 वाला भी ऐसे आ रहा है, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो उससे पीछे वाले के मैक्सिमम पॉइंट से और पीछे होगा। देखो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और वो जो मैक्सिमम पीक पॉइंट है वो हर बार में पिछले वाले से और पीछे या छोटा होता जा रहा है। अब मुझे बताओ, ये एक्स एक्सिस पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर वेव, अगर पहले ये वाला पॉइंट मान लो, ये अगर मान लो 500 है नैनोमीटर, और मान लो ये वाला है 400 नैनोमीटर, मान लो ये वाला है 300, तो आप बताओ ये जो पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से, ये जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। ये जो पीक पॉइंट है ना, जो आपको पीक पॉइंट दिख रहा है, हर कर्व का पीक पॉइंट पिछले वाले से कम हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ब्लैक बॉडी में से निकलने वाली वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो सबसे बड़े साइज की होगी, वो टेम्परेचर के बढ़ने से अपनी रेंज को कम करती जाएगी। अभी भी इस बात को हम मजीद सिग्निफिकेंस से समझेंगे। देखो अब जब 3000 टेम्परेचर दिया था तो मुख्तलिफ वेवलेंथ निकल रही थी, मुख्तलिफ वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली, सबसे ज़्यादा रेडिएशंस कौन सी वेवलेंथ वाली निकल रही थी, 500 नैनोमीटर वाली, और भी निकल रही थी। यहाँ से शुरू करो तो इधर देखो 500 से बढ़ रही है, मान लो यहाँ 1200 है, 1100 है, 1000 है, मुख्तलिफ वेव्स आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेव आ रही है वो कौन सी आ रही है, 500 नैनोमीटर। यानी 500 नैनोमीटर से ज़्यादा वाली या उससे कम वाली में एनर्जी कम, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस वाले में होगी, 500 नैनोमीटर वाले में। क्यों? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं तो सबसे पीक पॉइंट पर, पीक पॉइंट कैसे, देखो वाई एक्सिस हमें क्या बता रहा है, जो इसकी हाइट है, हाइट हमें क्या बता रही है, तो जो कर्व जितना ऊंचा है, जितना हाइट पर है, उसकी एनर्जी उतनी। तो पहले वाले कर्व की हाइट ये, तो इस पूरे कर्व में जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कौन सी वाली वेवलेंथ के पास है, 500 नैनोमीटर। अब दूसरे वाले कर्व पे आओ, दूसरा वाला कर्व कितना ऊपर उठ रहा है, इस वाले से ज़्यादा उठ रहा है। मान लो इसकी वैल्यू ये थी, मान लो मिसाल 100, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मान लो कितनी, तो बताओ 100 वाले के मुकाबले में 300 वाले में एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि जब हम इस कर्व को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी वेवलेंथ पे पाई जा रही है, 400 नैनोमीटर, पहले वाले से कम हो गई वेवलेंथ। अभी यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन वेवलेंथ का साइज छोटा हो रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब आयरन को हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर कोई कलर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सी रेडिएशन होगी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की वेवलेंथ 700 से ऊपर होती है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, रेड की तरफ। मतलब अब वो 800 से गिरते गिरते किस रेंज में आ जाएगी, 700। टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, वेवलेंथ का साइज छोटा, वो किस में आ गई, 700 में, रेड दिखाई देने लगी। अब और टेम्परेचर बढ़ाया, और एनर्जी बढ़ाई, अब वेवलेंथ कहाँ गिर रही है, और पीछे की तरफ आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा निकलने वाली वेवलेंथ का साइज कम से कम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा निकलने वाली जो मैक्सिमम एनर्जी वाली रेडिएशन है उनका साइज कम से कम हो रहा है। अब 5000 पे जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन आ रही है वो छोटी से
छोटे साइज वाली होगी। रेड से कहाँ शिफ्ट होगा, ऑरेंज पे, येलो पे, ब्लू पे, ग्रीन पे, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी पे ट्रांसफर करेगा, तो फिर रंग कैसा हो जाएगा, रेडिएशन का कलर कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पाँच छः कलर आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो 4000 के बाद 5000 कर्व और शिफ्ट हो रहा है, क्या समझ आ रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, एनर्जी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वेव का साइज छोटा हो गया, सही है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतनी छोटी वेवलेंथ, सही है। तो अब इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, द वेवलेंथ कॉरिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, उसको ना उसको सिंबल क्या दिया है, लैम्डा एम, लैम्डा फॉर वेवलेंथ, एम फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी पे निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकलने वाली वेवलेंथ का साइज कम से कम होता, टेम्परेचर ज़्यादा वेवलेंथ कम, रिलेशन कैसा, डायरेक्ट या इनवर्स, इनवर्स रिलेशन है ना। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, देखो लैम्डा एम, जब बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की तो हमेशा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और जब बात करते हैं डायरेक्ट रिलेशन की तो रेशो बनाते हैं, अभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, किसका प्रोडक्ट, लैम्डा एम और टेम्परेचर का। तो जब आप इनवर्स रिलेशन को स्टडी करते हो तो आप कहते हो कि जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, और जब आप डायरेक्ट रिलेशन को स्टडी करते हो तो आप बोलते हो जो रेशो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा लैम्डा एम मल्टीप्लाई टी बराबर किसके होना चाहिए, कांस्टेंट से मुराद क्या, कि इनका एक मखसूस एक आंसर आएगा, फिक्स हर सूरत में वही आंसर रहेगा, और वो कितना आएगा, जब जब वीन्स ने इसको स्टडी करा, कैलकुलेशन किया, तो इसका जो कांस्टेंट का आंसर आया वो कितना आया भाई, यहाँ लिखा हुआ है नोट्स में, दिस कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0.0029 एम के, क्या एम किसके लिए, नहीं बेटा वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, लंबाई है, तो वेवलेंथ के लिए मीटर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, समझ रहे हो बात। अब देखो, अब मिसाल के तौर पे 2000 केल्विन टेम्परेचर था, और उस सूरत में कोई भी वेवलेंथ आ रही लैम्डा एम, उसका जवाब कितना आएगा, 0.0029 एम के, मैंने कोई भी लैम्डा एम रख दिया, मतलब कोई सी भी मैक्सिमम रेडिएशन, चाहे वो अच्छा 3000 पे जो मिसाले 500 नैनोमीटर आ रही है, और 4000 पे कितनी आ रही है, 400, ये मैंने रैंडम वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे 2000 पे जो भी आ रही है उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0.0029। अब अगर आप इसको 3000 कर दो तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो भी चेंज होगी, टेम्परेचर बढ़ा तो वेवलेंथ क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ा तो वेवलेंथ, लेकिन ये वाला आंसर कैसा रहेगा, हाँ रिमेन कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट का मतलब यही होता है कि रिलेशन यही होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप को खुद ही एडजस्ट करेगी, एक बढ़ेगी दूसरी कम, तो जो उनका आंसर होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, सही है। तो अब सूरज से आने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ को हम बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, हमें पता है कौन सी वेवलेंथ हमें मिल रही है, उस वेवलेंथ को इस फॉर्मूले में रखें अगर, उस वेवलेंथ को इस फॉर्मूले में रखें अगर, और कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, हम क्या निकाल सकते हैं, सूरज का टेम्परेचर। तो सूरज का टेम्परेचर कैसे निकाला, अब जाहिर है सूरज के टेम्परेचर को निकालने के लिए हम सूरज के करीब तो जाएंगे नहीं, उस ज़मीन पर रहते रहते सूरज का टेम्परेचर कैसे निकाला, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की मदद से, क्योंकि हम उसने हमें एक फार्मूला दिया, वो क्या दिया कि वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इक्वल टू 0.0029 कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट फिक्स था, वेवलेंथ हमने जो सूरज से डिटेक्ट करी हमें पता हम कौन सी वेवलेंथ हासिल कर रहे हैं, ठीक है, जब वेवलेंथ हमें पता, कॉन्स्टेंट हमें पता, तो उससे हमने सूरज का क्या मालूम कर लिया,
टेम्परेचर या किसी भी स्टार, चाहे वो सूरज के अलावा कोई भी स्टार हो, वहाँ से आने वाली रेडिएशंस को रिसीव करके इस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, उस स्टार का टेम्परेचर इस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये इसका अच्छा, तो जिस तरह मैंने बता दिया आपको विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास दूसरा आ रहा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है भाई, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेटमेंट नोट्स में लिखी हुई है, और ये जो लॉ है वो हमें इस हवाले से बात करता है कि जब कोई ब्लैक बॉडी हमारे सामने रखी हो और उसमें जो है वो रेडिएट कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें कितना टेम्परेचर है और उसके अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंगली वो अपने एरिया से कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है। एक हमारे से हमसे दूर रखी हुई एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ टेम्परेचर है या किसी टेम्परेचर पर है, तो वो कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड रेडिएट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात करते हैं हमारे पास कि जब हम उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड और पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी, पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उसके स्टेटमेंट को इस तरह भी लिखा जाता है कि जो एनर्जी रेडिएट कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तो किस चीज़ से है, एरिया से है। अगर एक छोटी बॉडी है तो वह ऐसे एनर्जी को रेडिएट कर रही है, ठीक है, चारों तरफ, और अगर एक बड़ी बॉडी है तो वो ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट कर रही है। तो पहला फैक्टर तो क्या आ गया कि पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी एनर्जी दे रही है, यानी रेट ऑफ एनर्जी कह लो, और प्लस कितने एरिया से दे रही है। तो हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि अच्छा, इसको आप चाहे तो एनर्जी लिखें या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि पावर, मैं इसको पावर भी कह सकता हूँ क्योंकि असल में जब एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात होती है तो उसी को पावर कहते हैं, बट क्योंकि फार्मूला बुक वगैरह में इस तरह से चलता है तो मैं यूँ ही लिख देता हूँ कि एनर्जी का ताल्लुक एक तो कि कितनी एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है, जो रेडिएट हो रही है वो उसके एरिया पे, दूसरी बात वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो ये लॉ हमें ये बताता है कि टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि अगर टेम्परेचर मिसाल के तौर पे इंक्रीज करता है तो एनर्जी कितना इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर की फोर्थ पावर के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगी। यानी अगर टेम्परेचर मिसाल के तौर पे एक स्टेप बढ़ता है तो एनर्जी उसकी पावर फोर होकर चार स्टेप बढ़ जाएगी। ये एक समझाने के लिए मैंने एक कंपेरिजन बताया कि टेम्परेचर की फोर्थ पावर के अकॉर्डिंग एनर्जी बढ़ी, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ा तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज उसकी हो जाएगी। इसीलिए जो आपको बात बताई कि टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर मौजूदा एनर्जी जो रेडिएट होती है वो भी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। टेम्परेचर के बढ़ने से एक तो एनर्जी का अमाउंट बढ़ जाता है, प्लस उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती जाती है, रंग बदलता जाता है। तो इसमें विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आ गया कि वेवलेंथ का टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है, और दूसरा कि कितने टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है अपने एरिया के अकॉर्डिंगली। यकीनन छोटी बॉडी कम एनर्जी रेडिएट करेगी और बड़ी बॉडी ज़्यादा रेडिएट करेगी, तो इसलिए जो एनर्जी वो रेडिएट कर रही है पर यूनिट टाइम वो एरिया पे भी डिपेंड कर रही है और टेम्परेचर की फोर्थ पावर पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ से अगर आप इन्हें कंपेयर करें तो इस तरह से एरिया और इस तरह से बन जाता है। ठीक है, और इस तरह से जब आप इसको कॉन्स्टेंट को प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ जाता है सिग्मा, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ से अगर आप कांस्टेंट को अलग करें तो ई अपॉन ए टी की पावर फोर बन जाएगा। अच्छा, याद रहे कि यहाँ पे जिक्र हो रहा है क्योंकि वहाँ जिक्र ये भी करते हैं कि इंटेंसिटी का जिक्र हम कर रहे होते हैं, तो अगर एनर्जी का रेशो ही अगर हम एरिया से ले लें तो वही हमारी समझो इंटेंसिटी बन जाती है हमारे पास। तो इंटेंसिटी का जिक्र अगर हो रहा है तो इट मीन्स कि हम एनर्जी का ताल्लुक एरिया से बना रहे हैं उसका। ठीक है, तो एनर्जी अपॉन एरिया और टेम्परेचर की पावर फोर। अच्छा, इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास मौजूद होती है, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है 5.67 एक्सपोनेंट माइनस 8
यूनिट इसका क्या बनता है, इसका यूनिट बनता है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। अगेन याद रहे कि यहाँ लिखा तो एनर्जी है बट यहाँ वॉट लिख रहा हूँ क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात हो रही होती है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर कहलाती है, उसका यूनिट हमारे पास वॉट होता है, तो आप इसको रेट ऑफ एनर्जी समझें इसको, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे यूनिट जो है वो वॉट, तो इसका यूनिट हो जाता है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। और इसका मतलब ये है कि किसी भी ब्लैक बॉडी से रेडिएट होने वाली जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है, यानी उसका जो एनर्जी का रेट है, और किस एरिया से वो एनर्जी निकल रही है और उसका क्या टेम्परेचर है, इन सब का जब भी आप किसी भी रेडिएशन के लिए, किसी भी ब्लैक बॉडी से आने वाली रेडिएशन के लिए जब आप इसका रेशो निकालते हो तो वो आपका आ जाता है कॉन्स्टेंट दिस वैल्यू। इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक ड्रॉबैक आएगा जिसको कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, वो अगले लॉ पे आने से पहले यानी नेक्स्ट टाइम पे उसकी मैं बात करूँगा कि उसमें क्या ऐसा मसला था जिसको असल में आगे जाके दुरुस्त करेगा प्लांक्स। तो वो क्या चीज़ है उसको हम देखते हैं आगे के नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम इसके बाद रेली जीन्स लॉ करेंगे और फिर इसके बाद प्लांक्स कॉन्स्टेंट करेंगे। तो अगेन इसका मतलब ये था कि जो किसी ब्लैक बॉडी से रेडिएट होने वाली एनर्जी पर यूनिट टाइम उसके एरिया से जनरेट हो रही है, उसका उसके टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बताता है और ये उसकी डेरिवेशन है और ये उसके कॉन्स्टेंट की वैल्यू है। डेट्स इट, थैंक यू। ठीक है, रेलिक जीन्स लॉ, ठीक है। तो कहते हैं भाई ये लॉ, इसके लॉ के अकॉर्डिंग टू रेलिक जीन्स लॉ क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। अच्छा देखो, ये रेलिक जीन्स लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ दोनों में जहाँ वर्ड है वो एनर्जी की बात कर रहा है, तो असल में वो एनर्जी नहीं है, वो इंटेंसिटी है। एनर्जी और इंटेंसिटी का क्या फ़र्क होता है, देखो अगर सिर्फ बात की जाए कि एक ऑब्जेक्ट से एनर्जी रेडिएट कर रही है तो मैं एनर्जी बोलूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा अगर मैं बोलूँ कि उस ऑब्जेक्ट से एनर्जी रेडिएट कर रही है पर यूनिट एरिया, उसके एरिया से भी उसका रिलेशन बना दिया जाए कि कितने एरिया से कितनी एनर्जी निकल रही है, तो इंटेंसिटी बन जाती है फिर वो, मतलब एनर्जी और एरिया का रेशियो बनाओ ना अगर, जैसे एनर्जी अपॉन एरिया, तो फिर उसको क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी। तो चूंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट में एरिया का जिक्र है, तो इसलिए जब वो हम ग्राफ बनाते हैं, जो कल कर्व का ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ किसके वर्सेस था, वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी का जिक्र वहाँ पे हो रहा होता है। हम एनर्जी भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि एनर्जी का और एरिया का ही रिलेशन करो तो क्या आता है, इंटेंसिटी आता है। तो हमारी बुक में स्टेटमेंट में एनर्जी का ये वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए मैं एनर्जी लिखवा रहा हूँ कि जो एनर्जी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर। अब देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एमिट होने वाली कोई सी भी जो रेडिएशन होगी उसकी जो भी मखसूस वेवलेंथ होगी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी पाई जाएगी। हर वेव अपने अंदर कोई वेवलेंथ रखती है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी रखती है, और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो एनर्जी रखती है। यानी पहले वेवलेंथ से बनती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से बनती है क्या, एनर्जी। तो अब हमने ये भी देख लिया था कि जितनी वेवलेंथ का साइज़ छोटा होता जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। तो ये वाला लॉ ये कह रहा है कि देखो, एनर्जी का या इंटेंसिटी का ताल्लुक वेवलेंथ के साथ कैसा है, इनवर्सली। क्या मतलब, अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि बात तो हम शुरू से देख रहे हैं कि वेव का साइज़ छोटा होता जाएगा एनर्जी ज़्यादा, तो वेवलेंथ कम होगी एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन सिर्फ कम नहीं होगी, उसकी 4th पावर पे कम होगी। यानी वही मिसाल कि अगर वेवलेंथ एक स्टेप कम होती है तो एनर्जी 4 स्टेप ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, इसको नॉन लीनियर बोलेंगे, नॉन लीनियर। अब अगर वो लीनियर होता, लीनियर से मुराद है कि एनर्जी और वेवलेंथ में एक स्टेप का फ़र्क होता, कि अगर वेवलेंथ एक स्टेप कम होती तो एनर्जी एक स्टेप ज़्यादा हो जाती। तुम्हें कल समझाने के लिए मिसाल देती कि तुम अपने दोस्त के साथ स्टेयर्स पर चढ़ती हो, तुमने एक कदम रखा, दोस्त ने भी एक कदम रखा, दोनों लीनियर हैं, तुमने एक कदम रखा, दोस्त ने 4 कदम की छलांग लगा दी, तो फिर ये नॉन लीनियर हो जाएगा, वो 4th पावर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे भी 4th पावर का रिलेशन है, लेकिन यहाँ एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन नहीं है। एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन किस में था, स्टीफन लॉ में। यहाँ रिलेशन किसका, एनर्जी और वेवलेंथ का, वेवलेंथ कम एनर्जी ज़्यादा, लेकिन कितनी ज़्यादा, 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। तो लिहाजा आपकी आपका लॉ ये बनेगा कि एनर्जी का रिलेशन इनवर्सली किसके साथ है, वेवलेंथ की पावर 4 के साथ। तो सिमिलरली जब आप इसको यहाँ से, अच्छा जो इनवर्स रिलेशन में होते हैं तो उनका प्रोडक्ट बनता है, और जो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं उनका रेशो बनता है।
है ना। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, और ये आपका आ जाएगा वन अपॉन लैम्डा फोर। तो यकीनन ई लैम्डा फोर की का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ कोई कांस्टेंट का सिंबल नहीं दिया गया, बस इसको कांस्टेंट ही बोल देंगे, ठीक है। नाउ दैट्स इट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस लॉ हैज़ बीन फाउंड टू फिट वेल फॉर लॉन्ग वेवलेंथ बट इट लीड्स टू इनफाइनाइट एनर्जी फॉर शॉर्ट वेवलेंथ व्हिच इज़ फाउंड इन अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रोफी। कैटेस्ट्रोफी कहते हैं कोई कन्फ्यूजन, कोई उलझन, कोई प्रॉब्लम जहाँ आके साइंसदान फंस जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। ये एक मसला होता है, साइंटिफिक प्रॉब्लम है कि यहाँ आके साइंसदान उलझ जाएँ कि ये चीज़ गलत हो रही है या ये नहीं होनी चाहिए। एक उलझन है, एक प्रॉब्लम है, उसी को कैटेस्ट्रोफी कहते हैं। ये कैटेस्ट्रोफी कहाँ मिल रही है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारे रीजन्स होते हैं। स्टार्टिंग होती है कहाँ से, बड़ी वेवलेंथ से, जो कि रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स के बाद हमारे पास फिर दूसरा पैटर्न आता है इंफ्रारेड, या बल्कि रेडियो के बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर माइक्रो, फिर एक्सरे और फिर गामा। ये पूरा स्पेक्ट्रम चलता है। बड़ी वेव से कहाँ तक जा रहे हैं, छोटी, सबसे बड़ी वेव कौन सी है, रेडियो वेव, सबसे छोटी वेव कौन सी है, गामा वेव। तो एक पूरा सीक्वेंस चल रहा है। तो सारी स्पेक्ट्रम को तो ये डिफाइन कर देता है, लेकिन इसमें मसला किधर आता है, कौन से रीजन में आता है, अल्ट्रा वायलेट की रीजन में आता है। इसने इसको क्या बोला, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी, क्योंकि देखो अल्ट्रा वायलेट की रीजन में जो वेवलेंथ आ रही हैं, जो वेवलेंथ आ रही हैं, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये जो एनर्जी हमें बता रहा है, देखो ये रिलेशन हमें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या बताता है, एनर्जी बताता है। ये उन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी हमें बता रहा है फॉर्मूले से, वो बहुत बड़ी एनर्जी बता रहा है, यानी इनफाइनाइट एनर्जी बता रहा है। इतनी एनर्जी बता रहा है जो कि हकीकत में हम उसको नहीं लाइक फील कर सकते, या वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इनफाइनाइट एनर्जी का मतलब यही होता है कि हम उस एनर्जी तक नहीं पहुंच सकते। तो इसमें कुछ हद तक तो ठीक है, कुछ हद तक की वेवलेंथ की एनर्जी तो ये सही बताएगा, वो एनर्जी जो रियल में ब्लैक बॉडी इमिट कर रही है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में जो एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है, वो एनर्जी इस फॉर्मूले से गलत आ रही है, इस फॉर्मूले से गलत आ रही है। मतलब ये दे रहा है कैसी, इनफाइनाइट। देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर यहाँ वेवलेंथ को रखा जाए और मैं यहाँ एनर्जी निकालने जाऊँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एनर्जी निकाल रहा हूँ, एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो कांस्टेंट वैल्यू इसकी होगी हमारे पास, वो खैर यहाँ में बुक में नहीं बताई हुई, वो हम इस्तेमाल करेंगे। वो कांस्टेंट वैल्यू जो भी हमारे पास होगी डिवाइडेड बाय जिस रीजन की रेडिएशन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी होगी हमारे पास वेवलेंथ, उसकी होगी। अब वेवलेंथ क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट की, तो अल्ट्रा वायलेट की रीजन के लिए जो भी वेवलेंथ हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसकी पावर हम 4 करेंगे। अब एक बात बताओ कि डिनोमिनेटर में जब कोई बड़ी वैल्यू आती है, डिनोमिनेटर में जब कोई बड़ी वैल्यू आती है तो ओवरऑल आंसर छोटा होता है। ये मैंने पिछली किसी क्लास में बताया था कि जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होती है तो ओवरऑल आंसर छोटा। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो, छोटी से छोटी होती जाए, तो फिर ओवरऑल आंसर बड़े से बड़ा होता जाएगा। अब कुछ ऐसे रीजन्स की वेवलेंथ, ऐसे रीजन्स की वेवलेंथ जो शॉर्टर पे जा रही है, मतलब छोटी से छोटी पे जा रही है, एक छोटी वेवलेंथ की पावर अगर 4 कर दोगे तो वो और छोटी हो रहेगी, तो वो और जितना छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी तो ओवरऑल आंसर उतना बड़ा है। तो अगर हम छोटी से छोटी वेवलेंथ पे जा रहे हैं तो ये जो रेलिक जीन्स लॉ है, ये छोटी से छोटी वेवलेंथ का आंसर बहुत बड़े से बड़ा दे रहा है, इनफाइनाइट एनर्जी दे रहा है जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यही कहलाता है कैटास्ट्रोफी कहलाता है। तो यहाँ पे ये इसकी लिमिट आ गई, एक समझ लो। तो अभी तक हमारे पास वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन लॉ और रेलिक जीन्स लॉ, ये तीनों लॉज जो हैं ये क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन जो है वो वेव्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में,
वेव्स की फॉर्म में है, कोई बड़े साइज की वेव है, कोई छोटे साइज की वेव है, ये सारी रेडिएशन किस नेचर में आ रही है, किस शक्ल में आ रही है, वेव्स की शक्ल में आ रही है। इन तीनों लॉज में कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि ब्लैक बॉडी से कोई पार्टिकल बाहर आ रहा हो जिसको फोटोन कहते हैं, यानी इन तीनों लॉज में फोटोन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ जितने मसाइल पेश आ रहे हैं कि कोई लॉ किसी रीजन को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है, कोई किसी को एक्सप्लेन कर पा रहा है, अब रेली जीन्स लॉ जो है वो हर रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जो छोटी से छोटी वाली वेवलेंथ उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो लिहाजा इन सारे मसलों से का हल जो होगा वो किस लॉ से मिलेगा, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से मिलेगा या प्लैंक्स लॉ से मिलेगा। वो लॉ हमें ये बताएगा कि भाई ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जितनी किस्म की रेडिएशन होती हैं वो वेव्स की फॉर्म में नहीं होती हैं, वो बल्कि छोटे छोटे इंडिविजुअल क्वांटाज होते हैं, इसको बोलते हैं कि वो डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी हमारे पास आ रही है। यानी एनर्जी हमारे पास एक साथ सारी की सारी एनर्जी नहीं आ रही, बल्कि टुकड़ों में, फॉर्म्स में, पार्टिकल की शक्ल में आ रही है। अब जिस तरह अभी हमने देखा कि इससे हमें बहुत बड़ी एनर्जी मिल रही थी जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो अगर एक बहुत बड़ी वैल्यू को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो तो वो एक्सेप्टेबल हो सकती है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैल्यू को डिस्क्रीट फॉर्म में बारीक बारीक हिस्से बना के अगर हम उसको करें यूज़ तो एक्सेप्ट हो सकती है, लेकिन एक ओवरऑल फॉर्म में वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो प्लैंक्स क्या करेगा, प्लैंक्स ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो रेडिएशन हमारे पास आ रही है वो वेव्स की फॉर्म में नहीं आ रही, मतलब बहुत बड़ी बड़ी एनर्जीज नहीं मिलेंगी हमें, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वेव पार्टिकल जिसको क्वांटा या फोटोन बोलेंगे वो हमें मिलेंगे। तो लिहाजा वो वाला अल्ट्रावायलेट रीजन जहाँ की एनर्जी इनफाइनाइट आ रही थी, तो प्लैंक्स के लॉ के तहत हमारे पास अब वो एनर्जी एक्सेप्टेबल आएगी, क्योंकि वो ये बोलेगा कि जो रेडिएशन से हमें क्या मिल रहा है, हमें फोटॉन्स मिल रहे हैं, और फोटॉन क्या होते हैं, छोटे छोटे वेव पैकेट्स होते हैं, और उनमें जो एनर्जी होगी वो उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल एनर्जी होगी, मतलब कोई इनफाइनाइट एनर्जी वो अपने अंदर नहीं रखेगा। तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो रेडिएशन बाहर आती हैं वो किस फॉर्म में आती हैं, वो वेव्स की फॉर्म में नहीं आती, बल्कि उससे क्या चीज़ हमें मिल रही होती है, फोटॉन मिल रहे होते हैं। क्या मिल रहे होते हैं, और फोटोन क्या होता है, फोटोन भी वेव का एक हिस्सा ही है। यूं मान लो छोटे छोटे से क्या हैं, वेव पैकेट्स हैं, यानी एक बहुत बड़ी वेव को आपने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो वो जो एक छोटा वेव पैकेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फोटोन। तो हम बोलेंगे वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है, वो वेव भी है और वो इतनी एनर्जी अपने अंदर रखेगा जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, जो फॉर्मूले से एग्जैक्ट एनर्जी हमें वो पता चल जाएगी। लेकिन अगर हम उसको वेव की फॉर्म में बात करेंगे तो कहीं कहीं एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही होगी और वो एनर्जी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी या एक्सेप्टेड नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो चार लॉज हैं उन चारों में शुरू के तीन लॉज किस बुनियाद पर हैं, वेव की बुनियाद पर, और प्लैंक्स किस बुनियाद पर आएगा, पार्टिकल की बुनियाद पर, कि जो लाइट है वो डुअल नेचर रखती है, वो वेव नहीं है, वो वेविकल है। वेविकल कौन हो गया, फोटोन, जो एक वक्त में पार्टिकल भी है और साथ साथ कौन है, वेव भी है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास प्लैंक्स लॉ क्या बोलता है, प्लैंक्स लॉ ये बोलता है कि रेडिएंट एनर्जी, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है ना किसी भी ब्लैक बॉडी से, रेडिएंट एनर्जी कम्स आउट इन डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ बंडल, रेडिएंट एनर्जी का मतलब क्या, जो एनर्जी ऑब्जेक्ट से बाहर आ रही है ना, रेडिएंट कर रही है, जो ग्लो करती है कोई चीज से, बोलो रेडिएंट है, वो ग्लो कर रहा है, रेडिएंट एनर्जी कम्स आउट किस शक्ल में बाहर आएगी, कम्स आउट इन डिस्क्रीट, अच्छा यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, डिस्क्रीट, रेडिएंट एनर्जी कम्स आउट इन डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी है ना, सही, अच्छा, या फिर उस एनर्जी को क्या बोला, बंडल ऑफ एनर्जी को दूसरे लफ्जों में क्या बोल रहे हैं, वेव पैकेट्स, वेव पैकेट्स, और उन्हें बोलते हैं क्या, कॉल्ड क्वांटा, उन वेव पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा, या फिर आइंस्टाइन ने उसको नाम क्या दिया था, फोटोन, प्लैंक ने उसको नाम क्वांटा दिया था, आइंस्टाइन ने उसको नाम फोटोन दिया था। द एनर्जी कॉन्टेंट ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये वाली बात मैं फॉर्मूले में लिख रहा हूँ,
हर एक फोटोन क्वांटा का एनर्जी डायरेक्टली रिलेट किससे करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये वाला वी लिखा जाता है। अब समझे आप, एक ब्लैक बॉडी से ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं, मान लो ये तीनों इंडिविजुअल एक एक फोटॉन्स हैं। क्या हैं ये? एक फोटॉन है, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है E1, ये एक फोटॉन है E2, एक फोटॉन है। अब एक ब्लैक बॉडी से कोई एक एनर्जी की वेव नहीं निकल रही, बहुत सारी छोटी छोटी एनर्जी वाले वेव पैकेट्स निकल रहे हैं, मुख्तलिफ एनर्जी वाले फोटोन हैं, क्योंकि सब फोटोन अलग अलग तरह की वेवलेंथ रखते हैं। कोई छोटे साइज़ का फोटोन है, कोई बड़े साइज़ का फोटोन है। मिसाल के तौर पे रेडियो वेव का फोटोन होगा तो बड़े साइज़ का होगा, एक्सरे का फोटोन होगा तो छोटे साइज़ का होगा। जो साइज़ जो वेवलेंथ का डिफरेंस है ना, वो एनर्जी का डिफरेंस बनता है, ठीक है। तो हर एक फोटोन जो उस बॉडी से निकलेगा वो एक ख़ास किस्म की एनर्जी अपने अंदर रखेगा, और वो एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी, उसके किस पे डिपेंड करेगी, ये क्या चीज़ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। अब हर फोटोन की अपनी एक क्या होती है, और याद रखो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उसके साइज पे। साइज किस चीज़ का, वेव का साइज। अब मिसाल के तौर पे ये वेव का साइज है, अब वेव का साइज मैं कम कर रहा हूँ, वेव का साइज कम करूँगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। एक सेकंड में मान लो 10 वेव बन रही हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 हर्ट्ज। अब एक ही सेकंड में 10 नहीं बन रही, 20 वेव बन रही हैं, एक ही सेकंड में 10 नहीं बन रही, कितनी बन रही हैं, 20 बन रही हैं, तो क्या बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। एक सेकंड में जितनी वेव बनती हैं, जितने चक्कर काटते हो आप, वो क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो जो एक फोटोन होता है वो एक सेकंड में जितनी वेव्स अपने साथ रखता है वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। सो लिहाजा वेव लेंथ पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है क्या, एनर्जी। सही है, सबसे पहले बात आएगी वेव लेंथ की, उस पे डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी कौन, एनर्जी डिपेंड करेगी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो एक ब्लैक बॉडी से निकलने वाला हर फोटोन अलग अलग तरह की वेवलेंथ रख सकता है, अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी और अलग अलग तरह की एनर्जी रख सकता है। अब इसमें कितने तरह के फोटोन हो सकते हैं, इसमें रेडियो वेव वाला भी हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट वाला भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है, विजिबल वाला भी हो सकता है। अब विजिबल में 7 अलग अलग हो सकते हैं, कौन कौन से, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट इंडिगो, है ना। उसके बाद कौन सा हो सकता है, माइक्रोवेव वाला हो सकता है, एक्स रेज वाला हो सकता है, या फिर एंड में कौन सा वाला, गामा वाला। इनमें से मुख्तलिफ किस्म के फोटोन हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ और अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग एनर्जी, और उस एनर्जी का फॉर्मूला कौन दे रहा है, प्लैंक्स दे रहा है। अच्छा, अब जाहिर है जब आप यहाँ से कांस्टेंट हटाओ, ये इसको हटाओगे तो यहाँ क्या लगेगा, एक कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट को एच लिखते हैं, और वो एच क्या कहलाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। इट मींस कि जिस भी फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आप रेशो निकालोगे ना अगर E/V, तो उसका आंसर हमेशा 6.63 × 10⁻³⁴ आएगा, एंड दिस वैल्यू इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप बात कर रहे हो एक्सरे फोटोन की, तो एक्सरे फोटोन में जो एनर्जी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, ऐसा आएगा। अब मान लो आप सारे अलग अलग फोटॉन्स हो, ठीक है, ये रेडियो वेव का फोटोन है और वो गामा रेज की फोटोन है, फ़र्क करा है ना मैंने, ये गामा, ये कौन सा फोटोन है, रेडियो वेव वाला, और वो कौन है, गामा वेव वाली फोटोन है। अब इससे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, मैंने गामा वेव वाली से क्यों बोला, गलत थोड़ी बोला है, उससे मैंने गामा वेव की क्यों बोला, क्योंकि गामा वेव का फोटोन साइज में सबसे छोटा होता है,
नहीं है और इसलिए इसको मैंने बड़ा बोला। तो रेडियो वेव का साइन सबसे बड़ा होता है। तो भाई ये रेडियो वेव का फोटोन है, वो गामा वेव की फोटोन है, दोनों की अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी, अलग अलग। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी बताओ, इस वाले में होगी, उस वाले में होगी, छोटी वाली में होगी। तो छोटों में एनर्जी ज़्यादा होती है, बड़ों में एनर्जी कम होती है। तो किस में कितनी एनर्जी है वो डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी पे, और साथ में प्लैंक्स का कांस्टेंट। तो अगर मैं तुम्हारी अंदर मौजूद एनर्जी और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी का रेशो बनाऊंगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 6.60-34। अब एक बात देखो, ये 10 की पावर बहुत छोटी है, बहुत छोटी सी मुराद है। ये सिर्फ एग्जिस्ट करेगी क्वांटम वर्ल्ड के अंदर, पार्टिकल के अंदर, हमारे तुम्हारे लिए नहीं एग्जिस्ट करेगी। किसके लिए एग्जिस्ट करेगी, फोटॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के लिए, जो बारीक बारीक छोटे छोटे पार्टिकल। क्योंकि बाहर ये एनर्जी बहुत छोटी है लेकिन उन पार्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा है। अब मिसाल के तौर पे चावल का एक दाना हमारे लिए तो बहुत छोटा है लेकिन चूटी के लिए बहुत बड़ा है, वो बड़ी मुश्किल से उठा के लेके जा रही होती है। तो चूंटी के लिए वो चावल का दाना बड़ा है। इसी तरह क्वांटम वर्ल्ड में इन पार्टिकल के लिए एनर्जी बहुत है लेकिन हमारे लिए देखा जाए तो एनर्जी वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम ये सारी बातें किस में पढ़ रहे हैं, क्वांटम वर्ल्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये आपका प्लैंक्स लॉ आ गया और दैट्स इट। अब इन कंक्लूजन हम ये कहेंगे कि ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन जो है वो मुख्तलिफ रेडिएशंस जो अलग अलग किस्म का रंग रखती हैं, अलग अलग किस्म की एनर्जी रखती हैं, वो प्योर वेव्स नहीं होती, वो प्योर वेव्स नहीं होती, वो वेव के पैकेट्स होते हैं। वेव के यानी सारी वेव एक साथ नहीं मिल रही होती, टुकड़ों टुकड़ों में मिलती हैं। जैसे आप स्टेयर्स चढ़ते हो, स्टेयर्स आप टुकड़ों टुकड़ों में चढ़ रहे हो, उतरते भी टुकड़ों टुकड़ों में। लेकिन अगर आप कभी स्लोप से उतरो, स्लोप से उतरते ना वो टुकड़ों टुकड़ों में, वो डायरेक्ट ही उतर जाते हैं। ये स्लोप से उतर रहे हैं ना वो कंटिन्यूस कहलाता है, और स्ट्रेट से उतर रहे हैं वो डिस्क्रीट कहलाता है। तो रेडिएशन जो हमें मिल रही है ना वो कंटिन्यूस में नहीं मिल रही, वो किस में मिल रही है, डिस्क्रीट में मिल रही है। ताकि सबको अलग अलग आराम से हम स्टडी कर लेंगे, हर अलग अलग तरह का फोटोन ईजिली कैलकुलेट हम यहाँ कर लेंगे। तो लिहाजा ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आ गया। अब यहाँ से आपका कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है, अदरवाइज आपका एक लॉन्ग सवाल आ सकता है कि व्हाट आर ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड राइट डी आर डिस्कस ऑल द लॉज। चारों लॉज डिस्कस कर सकते हैं, ये लॉन्ग में आया भी एक बार और आ सकता है, शॉर्ट में इतनी बार इसका कोई सवाल नहीं आया। लेकिन इन केस अगर आता है तो आपके पास यही लॉज शॉर्ट में अलग अलग लॉ पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है, अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे। भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसकी बात कराऊंगा, फिलहाल मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ।